बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए मैं दो भाग में लेके आया हूँ, पार्ट वन एंड पार्ट टू। ये पार्ट वन है, दोनों भाग आप देखिएगा। इसमें आपको एक ऐसे पोल्ट्री फार्म में मैं लेके चल रहा हूँ जहाँ पर मछली पालन और कड़कनाथ पालन एक साथ हो रहा है। उससे भी ज़रूरी बातें, आपको बर्मी कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है, केंचुए की खेती कैसी है, अजोला कैसे और क्या क्या दवाएँ दी जाती हैं, ये सब कुछ बताऊँगा इस पार्ट में मैं। दोनों भाग आप पूरे देखिए, बने रहिए, आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश दुमका एक बार फिर आपका स्वागत कर रहा हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्त, आज हम आपको लेकर आए हैं देसी पोल्ट्री फार्मिंग के एक ऐसे वेन्यू पर जहां आप देखेंगे कॉम्बिनेशन कड़कनाथ फार्मिंग का और उसके साथ मछली पालन का। मछली पालन और मुर्गी पालन एक साथ कैसे हो सकता है, ये आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। श्री बसंत चौबे जी के फार्म में हम आए हैं, उनके घर पर आए हैं, उनके फार्म में आए हैं। आज आपको दिखाते हैं उनका कड़कनाथ फार्म और मछली पालन, उसके साथ बर्मी कंपोस्ट भी वो बनाते हैं, अजोला फार्मिंग भी करते हैं। आइए सबके बारे में जानते हैं और बसंत जी से मिलते हैं सबसे पहले। तो दोस्त, आ गए हम बसंत जी के यहाँ, मिलते हैं बसंत जी से। कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, मास्क बहुत ज़रूरी है, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। और आइए मिलते हैं बसंत जी। नमस्कार। नमस्कार जी। ये बसंत चौबे जी हैं और आप मोटा हल्दू के खड़कपुर गांव में निवास कर रहे हैं, यहीं पर इनका ये फार्म हाउस है। तो बसंत जी, आज आपसे मिलने आए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपने फार्म पे इनवाइट किया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बसंत जी, बताइए हमारे दर्शकों को यूट्यूब के कि आप कौन सी नस्ल की फार्मिंग कर रहे हैं। जी, मैं अभी यहाँ पे, पहले तो सबसे पहले मैंने ब्रॉयलर का ही काम स्टार्ट किया था। जी, कितने साल पहले? दो साल पहले। ओके। दो साल पहले मैंने ब्रॉयलर का काम स्टार्ट किया, तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी जी, सुगना की, सुगना से जी। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि उससे क्या हुआ कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट था, तो पहले 12 रुपये रेट लेते थे पहले वो जी। और फिर बाद में ये कोरोना काल की वजह से थोड़ा सा उनको कंपनी को नुकसान हुआ, तो फिर उन्होंने क्या करा कि उसके बाद रेट गिरा दिए जी। तो फिर उसके बाद 6-7 रुपये पर केजी देने लगे हमें फिर वो। okay. तो उसमें क्या है कि हमें तो प्रॉफिट नहीं होता ना जी। तो फिर हमने फिर ये डिसाइड करा कि यार अब करनी नहीं है, क्योंकि मेहनत तो हमने करनी है सारी उसमें और फीड मतलब उनका देख रेख जितनी भी है, इलेक्ट्रिसिटी सब वो हमें करनी है। तो फिर हमने सोचा कि यार क्यों ना अपना काम करा जाए। okay. तो फिर मैं ऐसी पंथनगर ऐसी घूमने के लिए गया हुआ था चिकन के पर्पज़ के लिए, तो फिर मेरी वहाँ मुलाकात हुई थी डॉक्टर राजीव रंजन जी से। तो वो काफ़ी मतलब फैमिलियर बिहेवियर के हैं डॉक्टर साहब, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को उनसे मिलके। तो उन्होंने मुझे बस एक सलाह दी थी, उन्होंने बोला कि यार चौबे जी ऐसा है तुम कड़कनाथ का काम स्टार्ट करो। तो मैंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये काली मुर्गी है और बहुत ही ज़्यादा इसमें विटामिन्स हैं, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है इसमें ये वो। किस साल की बात है ये? जस्ट 2020 की बात है। ओके, एक साल पहले? हाँ, एक साल पहले की बात है। तो मैंने सुना, मैं फिर मैं एक्चुअली मैं जॉब भी करता हूँ, तो फिर मैंने सोचा यार जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी, मतलब ये भी हो जाएगा जी, काम जी। तो मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क ही हो रहा था वो जी, जी। तो मैंने वो फिर कोई बड़ा आदमी अगर आपको समझाए तो समझ लेना चाहिए बात को। तो फिर मैं समझ गया और फिर मैंने तुरंत उनसे कड़कनाथ की बात करी और ऑर्डर बुक करवा दिया। तो बसंत जी, एक बात बताइए कि आप एक साल से कड़कनाथ की फार्मिंग कर रहे हैं जी, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया रहा एक्सपीरियंस मेरा। मैंने तो इसका एक चार्ट बना रखा है एक्चुअली। ओके। फर्स्ट डे से मतलब इसको तैयार होने में जो है ना 20 वीक्स लगते हैं। अच्छा, 20 हफ्ते? हाँ, 20 हफ्ते इसको पूरा लगता है। तो मैंने इसका एक चार्ट भी बना रखा है जी। तो मैं एक मिनट मैं इसको दिखाना चाहूँगा। एक मिनट, इसका जी ये चार्ट है आपका। पर डे का ये 10 ग्राम खाती है एक मुर्गी। ओके। और फिर ये 7 दिन में ये इतना 70 ग्राम खा लेगी। ओके। फिर वही है 2 दिन में ये 17 ग्राम, फिर ये 7, फिर ये ऐसे करके कैलकुलेशन पूरी मैंने ये निकाल लिया। अच्छा, वेरी गुड। आपने ये 20 हफ्ते देखिए, इन्होंने फर्स्ट डे से लेके ये 20 क्या है, हफ्ते हैं या? हाँ, 20 हफ्ते हैं। इधर ये 20 डे है, डे का है और ये हफ्ते का है। अच्छा। हाँ, ये हफ्ते का, ये डे का है या हफ्ते का? यानी कि 20 हफ्ते में ये 616 ग्राम बिल्कुल ये खा लेती है एक मुर्गी। एक मुर्गी? यस। तो टोटल जो है अगर एक मुर्गी का हम निकालें तो 6923 ग्राम ये इतना खा लेती है पूरे अपने 20 हफ्ते के कार्यकाल में। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो ये आपने बहुत अच्छा चार्ट बनाया है और दोस्त सभी लोग देखे कि जब आपको वर्किंग करनी है तो आपको फिर बढ़िया से वर्किंग करनी। ये क्या है? ये अंडे की कॉस्ट है जो मुझे। अच्छा। बैठती है 7 रुपए की कॉस्ट बैठती है अंडे। अच्छा, जो आपका प्रोडक्शन आ रहा है उसका 7 रुपए की आपको कॉस्ट बैठ रही है कड़कनाथ की? बिल्कुल। ओके। और ये फीड की कॉस्ट है जब ये अंडे तक आती है 165 रुपए लगते हैं। 165 रुपए एक मुर्गी पे आपका खर्च हो रहा है? बिल्कुल। तो दोस्त अभी जैसा वसंत जी ने आपको बताया कि 165 रुपए 60 पैसे का कैलकुलेशन है इनका,
20 हफ्ते में एक मुर्गी को तैयार करने में, और अगर अंडे का उत्पादन हम देखते हैं तो 7 रुपये इनको पर अंडे का खर्चा आ रहा है। तो बसंत जी, अब हम आगे बात करें तो एक अंडा आप कड़कनाथ का कितने रुपये में सेल करते हैं? देखिए, अभी तो मैं इसका अंडा 13 रुपये में बेच रहा हूँ जी, 30 रुपीज़ घर से। हाँ, घर से। ओके। और जब मैं जाड़ों पे मैंने इसका अंडा 20-22 रुपये तक कभी बेचा हुआ है। ओके। तो आपकी सेल जो मार्केट है वो कहाँ कहाँ है? मेरी मार्केट जो है सेंचुरी में ज़्यादा है, सेंचुरी लालकुआ, लालकुआ सेंचुरी में, वहीं जॉब करता हूँ। ओके। और दूसरा मेरा फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा है, और जिम में भी ज़्यादा है, जिम में भी ज़्यादा मेरे अंडे जाते हैं वहाँ पे, तो उनको पता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मेडिसिन वैल्यू पता है इनकी कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये अंडा, क्योंकि सारे विटामिन हैं वो तो खैर बताने की जरूरत नहीं है, गूगल में आप सर्च मारिए तो उसमें सब कुछ मिल जाता है। बसंत जी का कहना है कि जो माउथ पब्लिसिटी है, माउथ मार्केटिंग है, वो ज़्यादा है, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं जैसे इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, फैट कम, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल है, तो ये इसकी वैल्यू है। बसंत जी, एक बार आपका फॉर्म देखें क्या? बिल्कुल बात करते हैं। ये दोस्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बसंत जी, ये चैनल के साथ ये तार नहीं लेना है। ओके। ये बसंत जी का फार्म हाउस है, देखिए, और हम देख रहे हैं कड़कनाथ जी, कड़कनाथ मुर्गियां यहाँ बहुत ही खुले में टहल रही हैं। बसंत जी, एक बार बताइए कि ये टोटल कितनी कड़कनाथ मुर्गियां हैं अभी आपके पास? ये मेरे पास अभी 85 इसमें फीमेल हैं। ओके। और 10 इसमें मेल हैं। अच्छा, 10 मुर्गे हैं और 85 मुर्गियां हैं जी। ओके। ये आपका एरिया जो कवर्ड है ये है जी? हाँ, ये कवर्ड है पूरा। अभी इसको मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ, उधर पीछे हो जाएगा, अभी बढ़ जाएगा। आप ही का है वो? हाँ, वो मेरा ही है पूरा। तो ये जो कड़कनाथ का रहने की जो जगह है वो कौन सी है, वो आप हमारे दोस्तों को आप दिखाएं? चलिए, अभी वो दिखाते हैं आपको। आइए देखते हैं, क्योंकि ये मुर्गियों को ज़्यादा परेशान कर देते थे। अच्छा, तो इसको मुर्गों को मैंने सेपरेट रखा है इधर। वेरी गुड। अंदर हैं, उधर भी हैं। ये कड़कनाथ मुर्गे हैं सारे? हाँ, ये अभी जरा सा डोर क्लोज कर दें, नहीं तो सब बाहर भाग जाएंगे। इधर ये लाइन से लगे हुए हैं, ये देखिए। ये पहले मुर्गियों के अंडे देने का भी एक बना रखा है इसमें जी, जी, जी। ये कड़कनाथ मुर्गे हैं, बहुत ही हेल्दी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो बसंत जी, ये बताइए, ये जो जाल है इसके नीचे पानी कैसे दिखाई दे रहा है हमको? ये इसके अंदर, ये इसका एक रीज़न है कि मेरे को लेबर कॉस्ट बचानी थी। अच्छा। तो इसके फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा यार इसके नीचे एक टैंक बनाता हूँ और जो इसका जो बीड है वो नीचे जाए और वो मछली खा ले। ओके। नीचे आपने जो है मछली पालन किया हुआ है? जी जी, मछली पालन किया हुआ है नीचे पूरा। इसमें मांगुर पल रही हैं अभी। तो दोस्त, अब आप देखिए कि बसंत जी ने जो है, हम देख रहे हैं कि ऊपर जो है मुर्गी पालन है और नीचे मछली पालन है, यानी कि एक पन दो काज जी। तो इससे बसंत जी, मैं देखता हूँ कि जो मछलियाँ हैं उसके जो फीड है वो तो फ्री में निकल आता। बिल्कुल बिल्कुल, फीड की कॉस्ट तो बिल्कुल जीरो हो जाती है, क्योंकि जो ये बीट करती है नीचे वो मांगुर खा लेती है। और सपोज करो अगर कोई मुर्गी मर जाती है तो उसको हम इसमें डाल देते हैं, वो मांगुर उसको भी खा जाती है। अच्छा, मांगुर प्रजाति की मछलियां हैं? बिल्कुल। अगर कोई मुर्गी मर गई तो आपने इसमें डाल दी, हाँ, पूरा खा जाएंगी? पूरी उसको खा जाएंगी। अच्छा, तो मतलब पूरा जो सर्किल है लाइफ का वो यहीं पूरा हो जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, डिस्ट्रॉय करने की हमें कोई और जगह नहीं चाहिए, जगह चाहिए ही नहीं। वेरी गुड। ये देखिए, एक ये बहुत प्रॉब्लम रहती है जब भी हम लोग कोई बर्ड मर जाती है तो उसको डिस्पोज ऑफ करना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ वो काम आ रही है मछलियों की। ये बहुत अच्छा है। ये शेड में चाहता हूँ एक बार आप दिखा दें, ऊपर ये एजबेस्टिस की सीट लगी हुई है। और ये कितने बाई कितने का शेड है बसंत जी आपका? ये सर 20x15 का। 20x15। तो कितनी बर्ड इसमें है इस समय आपके? अभी तो मेरी पास इसमें सर 70 मुर्गे हैं। हाँ, और जो 85 है उसके लिए अलग है जगह रहने? हाँ, उसके लिए अलग जगह बना रखी है। इसमें सिर्फ मुर्गे रह रहे हैं? जी हाँ, इसके लिए बिल्कुल मुर्गे हैं, वो भी जगह देखता है। तो जो 85 मुर्गियाँ थी बसंत जी, ये जगह आप उनके लिए है? जी जी, चाहता हूँ कि ये जगह जरा दिखाई जाए। देखिए, ये अंडे देने के लिए भी इन्होंने जो है बहुत ही किफ़ायती तरीके से जगह बनाई है, कुछ मुर्गियाँ अंडा देने के लिए तैयार भी हैं। और ये कितने बाई कितने का शेड है बसंत जी? सर ये है, इसको जरा दूर से आप दिखा दें। ये है 15 फीट लंबा है जी और 10 फीट चौड़ा है। 15 × 10 फीट, तो इसमें 85 मुर्गियां आपकी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो ठीक है। 150 स्क्वायर फीट की जगह है, तो 100 मुर्गियां आप इसकी इसमें रह सकते हैं। हाँ, इसकी स्ट्रेंथ इतनी है, 100 तो आ सकते हैं इसमें जी। तो आपने देखा दोस्तों कि बसंत जी जो है मुर्गी पालन कर रहे हैं यहाँ पर कड़कनाथ का। और इसमें एक विशेष बात हमने देखी कि जो मुर्गों की संख्या ज़्यादा थी तो उनको इन्होंने बंद किया हुआ था, और जो देसी मुर्गियाँ हैं वो बाहर चल रही हैं, उनके साथ 2-3 मुर्गे थे, क्योंकि मुर्गे थोड़े आक्रामक होते हैं, वो
थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं, तो इसलिए इन्होंने किया कुछ इस तरह से है कि ये 4 दिन हफ्ते में मुर्गियों को खुला छोड़ते हैं और 1-2 दिन मुर्गों को छोड़ते हैं, तो सबको बराबर दाना पानी बाहर मिल जाता है। तो ये बसंत जी बताइए, मुर्गे आपके सेल पर हैं? बिल्कुल सेल पे हैं। अब एक्चुअली मेरे तो जो है ना बाहर के कस्टमर रहते हैं जी, अब इंडिया मार्ट से, इंडिया मार्ट में मेरा रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे। ओके। तो बेंगलोर से, दिल्ली से, तो वहाँ से आते हैं कस्टमर आते हैं, फिर दूसरा फिर यहाँ पर मेरा फ्रेंड सर्कल में भी जाते रहता है। ओके। मुर्गा इधर, तो आप हमारे दोस्तों को बताइए, क्योंकि हमारा चैनल जो उत्तराखंड में काफ़ी लोकप्रिय है इस समय, तो अगर लोग आपसे मुर्गा लेना चाहें कड़कनाथ का, बिल्कुल, तो ये क्या रेट इस समय आप दे रहे हैं? मैं यहाँ इसको पर फीस के हिसाब से 1200-1500 रुपये ऐसे जाते हैं। अच्छा, डिपेंड करता है कि उस समय क्या उसका, हाँ उस टाइम स्थिति क्या है। ओके। और दोस्त, आपने देख लिया कि अगर आपको बसंत जी से मुर्गे चाहिए कड़कनाथ हेल्दी, तो 1200-1500 रुपये के बीच, जैसा भी जब आप आएंगे उस समय जो भी स्थिति होगी वो देख लिया जाएगा। और अंडे की बात जहाँ तक थी वो आपको बता दिया है बसंत जी, अंडे चाहे जैसे भी लें आप, अंडे फर्टाइल लें, नॉन फर्टाइल लें, तो वो सारे अवेलेबल रहते हैं। बोगे चूजे तो फट और उसके। एक और बात हम आपको बता रहे हैं कि इस जो पोल्ट्री फार्म में है यहाँ पर हैचरी भी लगी हुई है, हम आपको हैचरी भी दिखाएंगे, और अगर आपको कड़कनाथ के चूजे चाहिए तो उसके लिए भी आप इस फार्म पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बसंत जी से हम चाहेंगे कि जरा हैचरी दिखाई जाए। आइए सर, बसंत जी के फार्म की हैचरी पे, बसंत जी बताइए ये हैचरी है? जी ये इंक्यूबेटर है जी। तो अभी मैंने नया नया काम स्टार्ट किया हुआ है, अभी थोड़ा दिन ही हो रहा है मुझे इसको रखे हुए। तो एक लॉट निकाला मैंने, इसमें 100 इसमें अंडे रखे हुए थे, तो उसमें से मेरे को रिजल्ट आया था 65 इसमें से बच्चे निकले। कितने में एक बार में हम कितने अंडे इसमें 112 अंडे रख सकते हैं हम अभी। ओके। तो ये आपने कहाँ से ली है? ये अमेजोन से, इन्होंने ऑनलाइन ये हैचरी मंगाई है। आप लोग ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको छोटी 50 अंडे, 100 अंडे किसे लेके 1000 और 10000 अंडे तक की हैचरी मिल सकती है ऑनलाइन। तो हमारे दोस्त को एक बार और बसंत जी ये भी बता दीजिए कि जो 100 अंडे की हैचरी है ये कितने रुपए की आपको मिली? ये 112 अंडे की वो है इंक्यूबेटर है जी। ये मिलेगा सर अमेजोन पे 12500 रुपये। 12000 रुपये, 112 अंडे का जो ये आपको चूजे बनाने की मशीन है ये लगभग 12000 से 12500 रुपये की बसंत जी को मिली है घर पहुंचकर। और आप देख रहे हैं कि अंडे इस पे लगे हुए हैं। और बसंत जी मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा, ये देखिए अंडों पर, अभी दूसरी रैक चढ़ने वाली है, ये देखिए आप अंडों पर मार्क किया हुआ है, ये भाई कल के हैं 22/4। इस तरीके से डेट लिखना बहुत जरूरी है इनमें, क्योंकि जब आप डेट मार्क करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि 21 दिन इनके पूरे हुए या नहीं और सही टाइम पर बच्चे आ रहे हैं या नहीं। उससे ये पता जाएगा ना कि कौन से डे के अंडे हमारे उसमें से बच्चे ज्यादा निकल रहे हैं। जी, जी जी। तो अगले बार ये गलती नहीं होगी, फिर हम उसी डे के अंडे इसमें डालेंगे। अब जो पहला लॉट निकला है, जो ये पहला लॉट है, हाँ ये पहला लॉट है, ये हो गए सर 4 दिन हो गए इनको। हाँ ये मशीन के हैं। अच्छा, 4 दिन के हो गए हैं। हाँ ठीक है। कितने बच्चे हैं ये? ये सर 65 थे। ओके। तो इसमें से मैंने अभी 10 सेल कर दिए हैं। ओके। तो अभी मेरे पास इसमें भी 55 के लगभग बचे हुए हैं। कितने रुपए का एक बच्चा आप सेल कर रहे हैं? अभी मैं इसको 60 रुपीज़ का सेल कर रहा हूँ। 60 रुपीज़, अभी ये 4-5-6 दिन के हो गए हैं तो 60 रुपीज़ का। वैसे अगर 1 दिन का बच्चा होगा तो 50 रुपीज़ में। तो दोस्त आपने देखा कि पूरा पैकेज है, मुर्गा लेना हो, मुर्गी लेनी हो, अंडे लेने हो और बच्चे लेने हो, सभी कुछ आपको एक जगह पर हमारे इस चैनल के थ्रू मिल रहा है, बसंत जी के फॉर्म पे मिल रहा है। और यही काफ़ी नहीं है, अभी हम आपको और ये दिखाने जा रहे हैं कि इन मुर्गियों का भोजन जो ऑर्गेनिक भोजन है, यानी कि बर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार की जा रही है, मुर्गियों का जो वेस्ट है ना वो कैसे यूज कर रहे हैं बसंत जी, इस पर भी बात करते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं बर्मी कंपोस्ट कैसे बन रही है। वीडियो आपने देखा भाग एक, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे अपने कमेंट करके बताइएगा। अगले पार्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होने जा रही हैं, मुर्गियों को जो ज़्यादातर बीमारियां क्यों होती हैं पानी की वजह से, और पानी सही करने के लिए आपने क्या करना है, क्या चीज़ें देनी हैं, कौन सी दवा देनी है, इसके अलावा बर्मी कंपोस्ट केंचुए की खेती कैसे हो रही है ये भी मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और है, जो पर्दे आपके पोल्ट्री फार्म में लगे हैं वो ऑटोमेटिक पर्दे कैसे लगाए जाते हैं, कहाँ से मंगाने हैं ये आपको बताऊंगा। और इसी फार्म पर WFG क्रॉयलर मुर्गों का भी पालन किया जा रहा है, उसके बारे में भी बसंत जी आपको जानकारी देंगे। तो बने रहिएगा पार्ट 2 में, जल्दी ही मिलते हैं। नमस्कार।